मध्य प्रदेश से एक ऐसा मामला सामने आया है जो सुनकर आप शादी करने से पहले 100 बार सोचोगे। लड़के ने नहीं तो लड़की ने दहेज मांगा और लड़के के पिता ने अपना घर गिरवी रखकर लड़की को पैसे दिए और वो पैसे लेकर लड़की फरार हो गई। खरगोन में लुटेरी दुल्हन का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। दुल्हन ने लड़के वालों से दहेज की मांग की। 30 साल के रामेश्वर वानखेड़ी की शादी 26 साल की ममता से होने वाली थी। शादी करने के लिए लड़के के पिता ने अपना घर गिरवी रखा। ममता ने रामेश्वर को शादी करने के लिए खरगोन कोर्ट बुलाया। रामेश्वर सारी बारात लेकर कोर्ट पहुंचा तो वहां दुल्हन आई ही नहीं। ममता ने गहने लेने के नाम पर जो 1,10,000 रुपए लिए थे वो लेकर वो वहां से फरार हो गई। आपको बता दें कि इस वक्त देश में कई जगहों पर लुटेरी दुल्हनों का गैंग घूम रहा है। रामेश्वर के परिवार वालों ने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी है और पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है।